प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट। डाक टिकट जारी करने के बाद पीएम मोदी का एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया। इसमें पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान द्वारा आयोजित एक और कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों का एक एल्बम जारी किया गया है। मैं देश के लोगों और दुनिया भर के सभी राम भक्तों को बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान का दावा, ईरान में घुसकर किए सटीक सैन्य हमले। कई आतंकी ढेर। पाकिस्तान ने कथित तौर पर दो बलूच अलगाववादी समूहों बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद गुरुवार को पाकिस्तान सेना ने ईरान पर हमला किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि सेना ने गुरुवार सुबह ईरान के सीस्तानो बलूचिस्तान में जवाबी सैन्य हमले किए, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। AFP की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सारावन शहर में कई विस्फोट सुने गए। इंदौर में MPPSC के छात्र को कोचिंग में साइलेंट अटैक, अस्पताल में मौत। बुधवार दोपहर कोचिंग में ही उसके सीने में दर्द हुआ तो साथी टावर चौराहा स्थित निजी अस्पताल ले गए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र को कोचिंग में ही दिल का दौरा पड़ा था, उसको अस्पताल में भर्ती किया लेकिन मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज बिहार में होगा अभिनंदन। मुख्यमंत्री यादव के बिहार दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वह 12:15 बजे पटना विमानतल स्थित स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को बिहार प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह बिहार भाजपा कार्यालय में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके पहले श्री कृष्ण चेतना विचार मंच द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल सभागार गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। डॉ यादव के बिहार दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वह 12:15 बजे पटना विमानतल स्थित स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। दतिया के बागपुरा में डॉ अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने पर भड़के ग्रामीण। मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में SDOP भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। भांडेर अनुभाग के ग्राम बागपुरा में भिंड भांडेर हाईवे के पास बने अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस दौरान मूर्ति की उंगली तथा चश्मा तोड़ दिए जाने की जानकारी बुधवार सुबह जब बाबा साहब के अनुयायियों को लगी तो उनमें आक्रोश फैल गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में बागपुरा सहित आसपास के गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर हाईवे पर जाम लगा दिया। 7 वर्ष से अधिक समय से लापता व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर सकता है न्यायालय। पुलिस में की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति आदि की प्रति प्रस्तुत करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति का 7 वर्ष या इससे अधिक समय से कोई अता पता नहीं हो तब उस व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया को सिविल डेथ कहते हैं। इसमें 7 वर्ष से अधिक समय से लापता हुए व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाता है और उस व्यक्ति के समस्त वैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। विदेशी बाजार टूटने से सोना 300 और चांदी 675 रुपए सस्ती। भारतीय हाजिर बाजारों में भी सोने और चांदी में गिरावट जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की मुनाफा वसूली की बिकवाली बढ़ने के साथ ही सटोरियों की भी वायदा में लेवाली घटी है। असर से कामेक्स वायदा जोरदार गिरावट देखी गई। कामेक्स पर सोना वायदा $23 टूटकर $2032 प्रति औंस और चांदी वायदा 27 सेंट घटकर $22.94 प्रति औंस रह गया। इससे भारतीय हाजिर बाजारों में भी सोने और चांदी में गिरावट जारी रही। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। इंदौर में अफसरों ने थाना चौकियों में लगाए झाड़ू। गुरुवार को पुलिस चौकी, थानों, कार्यालयों में साफ सफाई हुई। पुलिस अफसरों ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की। अयोध्या में श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर पूरे देश में दिवाली सा माहौल है। मध्य प्रदेश में तो हर कोई बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। दिवाली की तरह घरों में साफ सफाई हो रही है। गुरुवार को पुलिस चौकी, थानों, कार्यालयों में साफ सफाई हुई। पुलिस अफसरों ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की। कैलाश विजयवर्गीय ने जारी किया राम जन्मभूमि संघर्ष का 6ठा वीडियो। कहा, मुगलों ने हमेशा पीठ में छुरा भोंका। कैलाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर संघर्ष की कहानी का वीडियो। कहा, मराठाओं ने भी जन्मभूमि मुक्ति के लिए युद्ध किया।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राम मंदिर के संघर्ष से जुड़ी 500 साल की प्रमुख घटनाएं वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर उन्होंने छठा वीडियो पोस्ट किया है। जन्मभूमि के संघर्ष की गाथा वे वीडियो श्रृंखला के माध्यम से सभी तक पहुंचा रहे हैं। एलिवेटेड ब्रिज बनने से पहले BRTS कॉरिडोर हटाने के फैसले से बैरागढ़ के व्यापारी प्रसन्न, ट्रैफिक सुधार की उम्मीद बंधी। सिंगल डिवाइडर बनने से दोनों छोर पर पार्किंग की जगह भी निकल सकेगी, ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से मिलेगी राहत। BRTS लेन हटाने का काम 20 जनवरी को बैरागढ़ से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर यह काम शुरू होगा। यहां के व्यापारिक संगठनों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। यहां यह भी गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने शहर में सीवेज पंप हाउस पुराना नाका से सीहोर नाके तक एलिवेटेड रोड की योजना को मंजूरी दी है। यह काम प्रारंभ होने से पहले ही कॉरिडोर हटने से रहवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, ट्रैफिक सुधार की उम्मीद भी की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि की देखरेख में छात्रों के सामने खोला जाएगा प्रश्न पत्र। बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है। 17 दिन बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर छात्र उन विषयों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वह कमजोर हैं। बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है 17 दिन बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जिसको लेकर छात्र उन विषयों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वह कमजोर हैं। इधर परीक्षा केंद्र भी अपनी पूरी तैयारी में, जिससे इस बार पेपर इंटरनेट मीडिया पर ना जा सके, इसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी की है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जिसकी देखरेख में ही प्रश्न पत्रों का वितरण होगा, जिससे प्रश्न पत्र परीक्षा भवन से पहले इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ना हो सके। असल में पिछले वर्ष कक्षा 10वीं का एक प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में पहुंचने से ठीक पहले इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसको लेकर इस बार विशेष तैयारी की गई है। जबलपुर में GM ने कहा अनय द्विवेदी ने नहीं किया गलत व्यवहार, आरोप बेबुनियाद। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन ने मुख्यमंत्री तक अफसरों के व्यवहार को लेकर शिकायत की। अशोक धुर्वे बोले, अनय द्विवेदी प्रबंध संचालक ने किसी भी शासकीय मीटिंग या व्यक्तिगत रूप से मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की जातिगत शब्दों या जातिसूचक टिप्पणी नहीं की है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता के साथ भरी बैठक में सार्वजनिक रूप जातिगत टिप्पणी और गलत व्यवहार के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने बुधवार को इस मामले में अधिकृत बयान जारी कर साफ इनकार किया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन ने मुख्यमंत्री तक अफसरों के व्यवहार को लेकर शिकायत की। मतदाता सूची में जबलपुर की बहुओं के नाम जोड़े, जो नहीं है उनके काटे, संभागायुक्त बोले। प्रारूप प्रकाशन के बाद महिला, पुरुष एवं थर्ड जेंडर के आवेदनों में हुई वृद्धि के संबंध में जानकारी ली। बोले 16,465 आवेदन आए हैं और 22 जनवरी तक आवेदन की तिथि है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण तत्काल करें। मतदाता सूची में नव विवाहिताओं के नाम जोड़े और जिनके ट्रांसफर हो गए हैं उनके नाम हटाएं। जो नए अधिकारी कर्मचारी आए हैं उनके नाम जोड़े। नाम हटाने के दौरान यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कहीं सही व्यक्ति का नाम तो विलोपित नहीं हो गया है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में अवश्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है, यह बातें संभागायुक्त ने कही। जबलपुर में 7 करोड़ से शहर के मुक्तिधामों की बदलेगी दशा। अंतिम संस्कार के उपरांत होने वाले शोक सभा के लिए व्यवस्थित शोक सभा भवन, श्रद्धांजलि भवन भी तैयार कराया जाएगा। जबलपुर में जल्द ही शहर के मुक्तिधामों की तस्वीर बदलने जा रही है। रानीताल मुक्तिधाम का महापौर जगत बहादुर सिंह ने बुधवार को आला अधिकारियों और कंसल्टेंट के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने वहां अव्यवस्थाएं देखी। महापौर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कंसल्टेंट को निर्देशित किया कि रानीताल मुक्तिधाम परिसर में विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप शवदाह स्थलों को पृथक पृथक व्यवस्थित कराएं। इसके साथ उन्होंने सामूहिक स्थल भी उत्तम ढंग से तैयार कराने के निर्देश दिए। रतलाम में थाना प्रभारी की जीप ले जाकर 2 युवकों द्वारा रंगदारी करने के मामले में SI सहित 4 लाइन अटैच। रतलाम में पुलिस की अनुमति के ले जाकर होटल संचालक से वसूली की कोशिश करने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 2 युवकों द्वारा स्टेशन रोड थाने से थाना प्रभारी की जीप बगैर पुलिस की अनुमति के ले जाकर होटल संचालक से रंगदारी करने के मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं ASP ने मामले में प्रथम दृश्यता लापरवाही बरतने में SI देवीलाल पाटीदार, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह राठौर व आरक्षक याकूब तथा नीरज चौहान को लाइन अटैच किया है। मामले की जांच CSP से कराई जा रही है।